तो आगे बढ़ते हैं। नोएडा से एक और बड़ी खबर आ गई है। एलईडी पर विज्ञापन के नाम पर करोड़ों रुपए ठगी का आरोप लग गया है। सेक्टर 3 में दफ्तर खोलकर लोगों को चपत लगा दी गई। यूपी और हरियाणा समेत 5 राज्यों के लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। बता दें कि दुकान में एलईडी लगाकर विज्ञापन चलाने का झांसा दिया गया था। एलईडी लगाने के लिए हर दुकानदार से लिए थे 1,10,000 रुपए। तो बता दें 1,000 से ज्यादा दुकानदारों से ठगी का आरोप है। पीड़ितों की शिकायत पर थाना फेज 1 में FIR दर्ज हो गई है। 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके तफ्तीश लगातार पुलिस कर रही है। दुकान में LED लगाकर विज्ञापन चलाने का झांसा दिया गया था। दुकानों के अंदर LED लगाकर विज्ञापन करने का झांसा देकर एक कंपनी ने हजारों लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी की है। तमाम पीड़ित लोगों ने नोएडा के थाना फेज 1 में FIR दर्ज कराई है। दुकानदारों का कहना है कि उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के तमाम लोगों को कंपनी द्वारा यह प्रलोभन लिया गया कि वो अगर 1,00,000 से 1,25,000 तक का इन्वेस्ट करेंगे तो उनको 10,000 से 15,000 प्रति माह की कमाई LED लगाकर अपनी दुकान में दूसरी कंपनियों का विज्ञापन चलाने से होगी। इस झांसे में आकर तमाम लोगों ने इस कंपनी में पैसा निवेश किया। पैसा निवेश करने के बाद जब यहां अपना प्रॉफिट लेने के लिए वो लोग पहुंचे तो कंपनी संचालक और जिन लोगों के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था उन लोगों ने मिलने से इनकार कर दिया। बाउंसरों द्वारा बदतमीजी कराने का भी आरोप लगाते हुए इस पूरे प्रकरण में 16 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कंपनी से जुड़े तमाम लोगों को लेकर जांच की जा रही है और आने वाले समय में जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। फिलहाल जो पीड़ित हैं वो एटा सहित उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाके और देश के अलग अलग इलाके के रहने वाले हैं जिनकी संख्या 1,000 से ज्यादा बताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेन्द्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा।